नमस्कार, इन समाचार में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन का सत्र भले ही डेढ़ घंटे के भीतर खत्म हो गया हो, लेकिन इस दौरान सियासत जमकर हुई। विपक्ष ने सदन में निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज में हो रही लापरवाही के विरोध में हंगामा किया, तो सदन के बाहर शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के बयान के विरोध में नेता कमलनाथ खुद धरने पर बैठ गए। कमलनाथ के साथ कांग्रेस के विधायक हरिलाल अलाव भी धरने पर बैठे। कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स के 5,000 पद और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना समीक्षा बैठक में अफसरों को निर्देश दिए कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अभी डॉक्टर्स के कुल 9,000 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 4,000 ही फिलहाल भरने हैं। मध्य प्रदेश के वाइन मर्चेंट्स को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की याचिका खारिज कर दी है। ठेकेदारों ने राज्य सरकार द्वारा जब्त सुरक्षा निधि वापस दिलवाने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शराब कारोबारी सुरक्षा निधि वापस दिलवाने के लिए राज्य सरकार से आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच मध्य प्रदेश के बैंकों में जमा राशि 20,000 करोड़ रुपए बढ़ी है, जो कि बीते वर्ष की इसी अवधि की जमा बचत की तुलना में 4.3 गुना ज़्यादा है। लॉकडाउन में आम बचत, चालू और सरकारी खाते में जमा धन भी बढ़ा है। आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मध्य प्रदेश से अभी मॉनसून की विदाई की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना मॉनसून स्टीम सोमवार शाम तक उड़ीसा के समुद्री तट पर था। अब इसी के चलते भोपाल में आज से 2-3 दिन अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि हल्की या मध्यम बारिश के रूप में मंगलवार शाम से ही इस स्टीम का असर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए लॉग ऑन करें www.insamachar.com। नमस्कार।